हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार और आपने सब ने बेरा हरियाणा में पंचायती चुनाव चले हुए हैं। फिलहाल हम रोहतक जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं। किलोई गांव में मैं बैठा हूँ। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर काफ़ी बुजुर्ग आज जुड़े हैं। इनसे यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इन बुजुर्गों का कहना है, किसको अपना आशीर्वाद ये दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा गाँव के जो मौजूदा सरपंच साहब हैं राम फल उड्डा जी, इनसे हम बात करेंगे। राम राम जी। प्रधान जी। राम राम भाई साहब। आप सब सतफल के गेल हैं और सारे मिल गए और भाई की पूरी मदद करें। जैसे गांव पैतृक गांव है सतपाल का, मैं गांव में कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? सरपंच हो आपने बेरा होगा सारी रिपोर्ट का। ना कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा है। एक तरफा है। जैसे गांव ने कल मिलकर ने मान सम्मान भी कराया है, सारे गांव ने मिलकर पाचू पन्या ने, तो वहाँ पे के कुछ माहौल लग गया आपने? माँ हमने उसका बहुत अच्छा माहौल लग गया। सब गेल हैं और को भाई रूस रहा होगा तो उसको भी मना लेंगे। मना भाई सरपंच साहब बहुत बढ़िया बात करें। भाई कोई भाई रूस भी रहा होगा, क्योंकि गांव का काम है, गांव में सारे डाल के मानस होया करें। एक आधा कोई रूस भी रहा होगा तो उनने जो है बड़े बुजुर्ग हैं वह मना भी लेंगे। युवा साथी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। राम राम भाई। राम राम भाई दिनेश। क्या कहना है, गांव का कैंडिडेट है सतपाल है, और भी हैं, एक भाई और भी है साथ में, और पूरे वार्ड में 5 कैंडिडेट हैं, तो के कुछ माहौल लग है जो युवा शक्ति है उसका के कुछ रुझान है? माहौल तो भाई बिल्कुल एक तरफा रेड है। माहौल में तो कोई कसर नहीं रह रही, कोई 10-5 भाई नाराज हो रहे होंगे उनको भी माहौल में शामिल करेंगे, इसी कोई बात नहीं है। यहाँ बढ़िया माहौल है और सारे भाई हैं जो पुलंगी है, रुड़की है, आसन है, मुंगान है, बखेता है, और नवरम हम पर भी हमारे साथ आ रही है। अच्छा। हाँ, सारे बढ़िया माहौल हो रहा है, एक तरफा माहौल बन रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मतलब उन्होंने दिखे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो रहा है, तो इसके मुकाबले में भी है नहीं कोई। तो ये इससे आगे तो मतलब बाकी बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद बिना है नहीं कुछ, तो इनका आशीर्वाद उस भाई के ऊपर पूरा। भाई हमारे गाँव में एक तरफा है कति सतपाल जी। अच्छा। बिल्कुल पूरा गाँव तन मन धन से साथ है उसके, कुछ भी सभी के सभी एक तरफ आ, कोई एक आध का वोट हो तो वैसे वो मना लेंगे। अच्छा, गांव में कैंडिडेट दूसरा भी है, उसका क्या कुछ माहौल है? उसका माहौल भाई के बता, गांव में तो किसी दिखता नहीं, कहीं भी नहीं दिखता कोई माहौल। 4 कैंडिडेट तो देने से एक साइड है, एकला एक साइड है। अच्छा। इतना रुझान है, इतनी दबा किए 4 कैंडिडेट लेंगे, इतना एकले ऐसा हो जाए। गांव में मान लिया 2 कैंडिडेट हो गए, कुछ कैंडिडेट हो गए तो कुछ ना कुछ वोटा में फर्क आवा है, तो दूसरे का के कुछ लगा आपने? एक युवा है, दोनों सतपाल भी, दूसरा भी युवा साथी हैं, आप भी युवा होने के नाते जो है मैं आपसे जो है जानना चाहूँगा, क्या कुछ लग रहा है दोनों में, कुछ मतलब है कुछ या फिर एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है, इसमें कोई वो नहीं दो राय। युवा शक्ति सतपाल गेल बहुत ज़्यादा जुड़ रही है, इसमें तो उन्होंने लगा ले बे, इतने तो कैंडिडेट सारे एक साइड रहेंगे, इतना एक ले सतपाल रहेगा, यो माहौल है। 8 का माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारे साथ जो है एक बुजुर्ग और भी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आप? मेरा दर्शन है जी। दर्शन जी, क्या कुछ है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या जो बैठका में जिक्र चल रहे हैं 5 कैंडिडेट हैं और फिर दूसरी ऊपर दे जो है किलोई गांव में 2 कैंडिडेट हो गए, तो बैठका में जिक्र भी चलते होंगे आप लोगों के, क्या कुछ कहना है? भाई हमारे गांव में सतपाल का ही है। अच्छा। कल भी स्वागत कर रहा था और आज शाम को 4 बजे मैं दंड पहले स्वागत कर रहा है। अच्छा, आज फिर स्वागत है? आज शाम को 4 बजे राम फ्लैट के घर में स्वागत है। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट के बारे में क्या कुछ कहना है गाँव के लोगों का? गाँव नौकत वैसे खड़ा है, कोई नहीं है, और राम फल के घर में परिवार में पड़ता है ये। अच्छा, परिवार जो है सतपाल का स्वागत कर रहा है? हाँ, उसका परिवार स्वागत कर रहा है, एक तरफा है। 90% वोट तो कितने नहीं जाती है सतपाल के लोग। अच्छा, आप जैसे घूमे भी हो गए इलेक्शन में, पूरा रुझान ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? भाई हम गांव में देख रहे, घूम रहे, सुन रहे, बैठे सब ये कह रहे सतपाल की पोजिशन अच्छी है। अच्छा अच्छा। और बाहर तक ये कुछ रिपोर्ट आ रही है? हरेक गाँव में इसकी अच्छी वोट है। अच्छा अच्छा। तो भाई ये जो है बुजुर्गों से हमने बात की है, युवाओं से बात की है,
बिल्कुल एक तरफा माहौल सतपाल हुड्डा का बताया जा रहा है, बाकी देखो भाई किस्मत होती है राजनीति में, सबकी अपनी अपनी किस्मत, जो लक है वो काम करता है। बाकी फिलहाल तक जो है रिपोर्ट वो यही आ रही है कि सतपाल हुड्डा किलोई गांव से बिल्कुल एक तरफा जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी पूरे गांव का जो है हम सर्वे कराएंगे, गांव में बहुत सारी बैठक है, जगह जगह पे बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठते हैं, ओके पीते हैं, ताश खेलते मिलेंगे, तो सारी जो है रिपोर्ट हम आपने दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए इस पंचायती चुनाव की पल पल की खबर हरियाणा 1008 पर आपने देखने को मिलती रहेगी। हम लेते हैं इजाज़त, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।